नमस्कार जी सभी को, आज मैं ले आई हूँ अपना फर्स्ट लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। बिफोर गोइंग डीप इनटू द स्ट्रीम ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यू मस्ट नो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इवन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की इंट्रोडक्शन जानने से पहले भी यू मस्ट नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज की प्रडिक्शन सुनी होंगी कि दिस ईयर मानसून विल बी 96% ऑन एन एवरेज इन इंडिया। वीट प्रोडक्शन इन 2019 वाज 106 मिलियन टन और जीडीपी ग्रोथ रेट इन दिस ईयर विल बी 4.2%, या फिर मेल फीमेल रेशो इन द ईयर 2020 इज 108 मेल्स पर 100 फीमेल्स। Or you must have heard literacy rate in India in 2018 was 74.4%. तो द लिस्ट इज़ एंडलेस एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। अगर हम बात करते जाएंगे तो ऐसी प्रडिक्शंस की लिस्ट जो है दैट कीप ऑन आई कैन से कि कॉन्टिन्यूइंग लॉन्ग, ये लिस्ट लंबी 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 चलती जाएगी। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ऑल दीज आर टर्म्ड एज स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। अब स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स है क्या? पुराने टाइम में दिस टर्म वॉज यूज बाय रूलर्स एंड किंग्स टू नो द स्टेट ऑफ देयर कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। किस चीज़ की कंडीशन? उन लोगों को अपनी स्टेट की पॉपुलेशन पता होनी ज़रूरी थी। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट लैंड, एग्रीकल्चर, देयर मिलिट्री सिचुएशंस और देयर पोलिटिकल स्टेट, वट एवर वॉज द सिस्टम। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट देयर वेल्थ, देयर टैक्सेशन। इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग इस टर्म को यूज़ किया करते थे। तो अब इतना हम लोगों को समझ आ रहा है कि जो ये वर्ड है इसका सीधा लिंक किसके साथ है, कि स्टेट की कंडीशन के साथ है। तो दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जो ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस और स्टैटस। इसी तरीके से एक जर्मन वर्ड था स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टा। इन दोनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग था, दैट वाज पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। दीज वर्ड्स इंडिकेट पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट, स्टेट की इंफॉर्मेशन, और इट इज साइंस ऑफ स्टेट, स्टेट की साइंस। अब क्या है इसके अंदर? 20th सेंचुरी के अंदर एक पर्सन थे विलियम एस गॉसेट। उन्होंने एक मेथड डेवलप किया ये सारी प्रडिक्शंस जो हैं किस तरीके से करी जाएं। इन प्रडिक्शंस के लिए ही पुट फॉरवर्ड कि आप लोगों को एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उस डाटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। कि सपोज पॉपुलेशन है तो आप लोगों को ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी कि ये पर्सनस यहाँ जाएंगे, ये गाँवों में जाएंगे, ये शहरों में जाएंगे, वहाँ जाके ये देखेंगे, फैमिली टू फैमिली दे विल विजिट, और उस फैमिली के अंदर जाके वो लोग ये देखेंगे कि कितने इसके अंदर मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने हम लोग कहें कि सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने टीनएजर्स हैं, कितने इन्फेंट्स हैं। तो ये जो सारा डाटा क्लासिफिकेशन होती है ये कि कितने कितने टीनएजर्स हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने इन्फेंट्स हैं, दिस इज़ व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं कि ओवरऑल कंट्री के अंदर इतने मेल्स हैं भाई, इतनी फीमेल्स हैं, और ये सारा का सारा इनका रेशो है। तो ये जो सारा जो मैथडोलॉजी थी, दैट वॉज गिवन बाय विलियम एस गॉसेट। उन्होंने ये मैथड हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद इसके अंदर एडवांसमेंट्स चलती गई चलती गई, और आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को एक वेल फॉर्म्ड ब्रांच ऑफ साइंस मिल गई जिसने हमें डाटा को हैंडल करना सिखाया। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डाटा कलेक्शन, डाटा क्लासिफिकेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। कि डाटा मतलब एक बहुत सारी अमाउंट में आपके पास क्वांटिटीज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम के लिए, तो उस डाटा को आप लोगों ने कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, इंटरप्रेट करना है। किस तरीके से करना है वो सारी मेथडोलॉजी है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिक्स, जो कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी कही जाती है। जब इस स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आप लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो फिजिक्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, या फिजिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स के अंदर सुपर कंडक्टिविटी है, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हमें करनी होती है, वहाँ पे हम इस फिजिक्स को यूज़ कर लेते हैं कि एटम्स किसी सिस्टम के अंदर किस तरीके से ग्रुप ऑफ एटम्स मूवमेंट करते हैं, हाउ दे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्स। वो फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकती है और देयर इंटरनल फोर्स कैन बी वर्किंग ओवर देयर, देयर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैन बी वर्किंग ओवर देयर, तो उसके इफेक्ट में वो पार्टिकल्स किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ना फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि आप लोग सपोज आजकल जैसे मौसम भी ऐसा मॉइस्चर वाला सा चल रहा है, मॉनसून सीजन है, बारिश हो गई, और इस मॉनसून की ये जो बारिश होती है किसी एरिया में है किसी एरिया में नहीं है, तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आधे पोर्शन में बारिश हो रही है, आधे में बारिश ही नहीं है। तो जिस पोर्शन के अंदर बारिश हो चुकी है या होने वाली है या हो रही है, वहाँ पे पार्टिकल्स की, एयर के पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, क्या वेलोसिटी है, क्या एनर्जी का कंटेंट है, दैट मस्ट बी डिफरेंट। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे जो यही सारी प्रॉपर्टीज होंगी, दोज विल बी डिफरेंट। अब किस तरीके से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अरेंज करेंगे, म्यूचुअली अरेंज होंगे, दैट इज डिस्कस्ड इन दिस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सुपर कंडक्टिविटी की बात जैसे मैं कर रही हूँ, सुपर फ्लुइडिटी की बात है, टर्बुलेंस की बात है, या मैं कहूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज हमें स्टडी करनी है, ऑल दीज एरियाज़ आर इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बेसिक आइडियाज़ में अगर मैं बात करूँ, तो बिफोर गोइंग डीप इन टू दिस सब्जेक्ट, इन द फील्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू मस्ट नो अबाउट फ्यू डेफिनेशंस। अब वो फ्यू डेफिनेशंस क्या हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। आपको किसी भी चीज़ को स्टडी करना है, आपका ध्यान सिर्फ वहाँ पे होना चाहिए। अगर किसी ने महाभारत देखी है तो महाभारत के अंदर एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया कि एक एम प्रोवाइड किया सबको कि आप लोगों को धनुष बाण लेके वहाँ पे निशाना लगाना है, एंड ही आस्क्ड फ्रॉम अर्जुन कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन सेड कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, एक चिड़िया टांगी हुई थी उन्होंने लकड़ी के एक पेड़ के ऊपर, तो वो जो आई ऑफ द स्पैरो वाज देयर एम, उसको सिर्फ वही दिख रहा था। यही चीज़ हर जगह पे होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हर जगह पे होनी चाहिए कि जिस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। तो अब नेचुरल है कि आपको जिस भी चीज़ की स्टडी करनी है दैट मस्ट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, आप लोगों को बाकी चीज़ों को छोड़ के उसके ऊपर ध्यान देना है। तो वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन, दैट इज टर्म्ड एज अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। मीन्स आप इसको सराउंडिंग्स से हट के जो है वो डिस्कस करते हैं, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। जो यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ पोर्शन है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये चौक ही है, इस चौक की मैं स्टडी कर रही हूँ कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कहाँ रेंज है, कितनी डेंसिटी है, ये सब चीज़ें मुझे स्टडी करनी है, तो दिस चौक विल बी सिस्टम फॉर मी। और इसके अलावा बाकी सारा यूनिवर्स, बाकी सारी चीज़ें जो मेरे आसपास हैं, दोज विल बी वर्किंग एज सराउंडिंग्स। तो आप लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेग्रीगेटेड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन, जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर इस सिस्टम को ही स्टडी करना है, तो मैं बात करूंगी सिस्टम की टाइप्स की। सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, हम पहले भी इन टर्म्स की बात कर चुके हैं माइक्रो और मैक्रो की, अनदर इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, यहीं पे कहानी खत्म। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ एटम्स बाय कंसीडरिंग ग्रुप ऑफ एटम्स, ये पर्टिकुलर एक एटम या पूरे सिस्टम की बात नहीं करती, इट टॉक्स अबाउट ग्रुप ऑफ एटम्स, इट स्टडीज द सिस्टम एज ए होल इन टर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। आप लोग ग्रुप की बात करेंगे हमेशा, और जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो वो ग्रुप छोटा है, बड़ा है, किस टाइप का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो ग्रुप छोटा है तो आप उसे कहेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी एनी सिस्टम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर काउंटेबल, उसको आप क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या हो जाएगा, एनी सिस्टम कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गैस है, अ गैस इन अ कंटेनर,
बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मिलियन ट्रिलियन बिलियन पता नहीं कितने पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. सो दिस विल बी टर्म्ड एज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है किसी एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. कितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे एक न्यूक्लियस के अंदर? जितना उसका एटॉमिक मास है. आप लोग कहेंगे कि इतने टोटल पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है. थिंग इज कि दोज आर काउंटेबल. कितने होंगे? 100, 200, 300 कितने होंगे? काउंटेबल हैं. तो अगर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्यू टेंस, फ्यू हंड्रेड्स इस तरीके के हैं तो उसको बोला जाएगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. एनी सिस्टम कंटेनिंग फ्यू टेंस ऑफ पार्टिकल्स और फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. एंड अ लॉट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. तो अब सिस्टम के बाद बात आ जाती है कि इस सिस्टम को हैंडल किस तरीके से करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे भाई आपको, और क्या करना पड़ेगा. तो एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रायल. सो फर्स्ट डेफिनेशन यू मस्ट नो, सेकेंड डेफिनेशन. फर्स्ट हो गया सिस्टम, सेकेंड इज ट्रायल. ट्रायल क्या होता है? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में भी क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को ग्रेविटी मेजर करनी है एंड यू टेक 5 सेट्स ऑफ वैल्यूज. आपने एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, आप उसको बार 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 एवरेज आउट करते हैं. तो वो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपने फर्स्ट सेट लिया, दैट इज एन ट्रायल, दैट इज अ ट्रायल. इसी तरीके से आपने दूसरा किया, वो भी एक ट्रायल है. तीसरा किया, वो भी एक ट्रायल है. ऑन एन एवरेज जब सबको क्लब कर दिया और एक अल्टीमेट कंक्लूजन दे दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है दैट इज 9.8 meters per second square, वो आपका हो गया एक्सपेरिमेंट. तो आप लोगों को एक समझ आ गया होगा डिफरेंस कि ट्रायल क्या है. एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ही है जिसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं दोज आर रैंडम ऑलवेज, जिसकी आउटपुट जो होती है दैट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. एनी एक्सपेरिमेंट हैविंग अनप्रडिक्टेबल आउटकम इज टर्म्ड एज अ ट्रायल. जिसकी आउटकम आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप, वही जो आप सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग्स लेके जब कैलकुलेशंस करते हैं, सपोज फर्स्ट सेट ने 8.9 दे दी, सेकेंड सेट ने 9.1, थर्ड ने 9.9, फोर्थ ने 10.1, सबके अंदर डिफरेंट है, किस सेट में क्या आएगा यू डोंट नो. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे. ट्रायल मीन्स एक आप लोग कहें कि कोशिश जो आपने की, उस कोशिश की आउटकम क्या होगी यू डोंट नो. तो ट्रायल उसको हम बोलते हैं. अब किस चीज़ को ट्रायल कहा जाएगा, किस आपकी कोशिश को ट्रायल कहा जाएगा इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसके लिए मैं दो पॉइंट्स की बात करूंगी कि जो ट्रायल हम लोगों को चूज़ करना है इट मस्ट फॉलो टू कैरेक्टरिस्टिक्स. वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? जो ट्रायल है इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड और इट मस्ट बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू फ्यू प्रीसेट रूल्स. कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड किए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रायल को परफॉर्म किया जाएगा. कि अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करनी है, आप एक पेंडुलम लेंगे, एक स्केल लेंगे, आप लेंथ ऑफ द जो थ्रेड है वो मेजर करेंगे, आप लोग उसको टाइम पीरियड जो है उसका वो मेजर करेंगे, तो देयर आर सर्टेन रूल्स कि आपको उन रूल्स को फॉलो करके ही वो मेजरमेंट्स जो हैं वो करनी है. सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि जो ट्रायल है दैट कैन बी रिपीटेड आर्बिट्रेरीली. It should be repeated arbitrarily. कि जो एक्सपेरिमेंट, जो ट्रायल आप कर रहे हैं उस ट्रायल को आप बार 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 रिपीट कर सकते हैं आर्बिट्रेरी रैंडमली. कभी भी आप उसको रिपीट कर पाएँ ऐसा होना चाहिए. तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी भी एक कोशिश को ट्रायल कहा जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इवेंट जो वो ट्रायल है दैट मस्ट फॉलो दिस. तो इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रायल के बाद, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है इवेंट. अभी जो मैं बात कर रही थी कि एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यू मस्ट नो कि ये फर्स्ट सेट है इसकी रीडिंग 10.8 है, ये सेकंड सेट है इसकी 9.6 है, इसकी 9.1 है, ये जो 9.6 10.1 ये जो आप लोगों को वैल्यूज मिली दीज आर इवेंट्स. अ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट ऑफ एनी ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में आ जाती हैं एज शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज ट्रायल, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, व्हाट गिव एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, गिव एग्जांपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ऑल दिस कैन बी प्रोबेबल इन योर एग्जामिनेशन. तो इवेंट आप लोगों को समझ आ गया, एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी ट्रायल.
फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉसिंग की एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. वो हेड और टेल जो हैं दोज आर टर्म्ड एज इवेंट्स, उनको हम इवेंट्स बोलते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट डेफिनेशन है सैम्पल स्पेस. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैम्पल स्पेस. अब सैम्पल स्पेस क्या है कि अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो उस कॉइन को टॉस करके मेरी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं. मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं. तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन सबको मैंने एक सेट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया. इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस. सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. मतलब आप लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी ट्रायल यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, उसका आपको पता तो है ना कि टोटली अनप्रिडिक्टेड है रिजल्ट. आपको नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट यू मस्ट यू आर श्योर कि दोनों में से कुछ तो आएगा. तो वो हेड या टेल हम लोगों को पता है कि पॉसिबिलिटी है, या हेड आएगा या टेल आएगा. सो सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स को मैंने उठा के ग्रुप में डाल दिया, और उस ग्रुप को क्या कहा, सैम्पल स्पेस कहा. तो भी इसके अंदर देखिए, जैसे सपोज आपने एक डाइस थ्रो किया, डाइस के अंदर हमें पता है सिक्स फेसेस होते हैं. तो जो पॉसिबल आउटकम्स है दैट आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो थ्रोइंग ऑफ डाइस का जो ट्रायल है, उसका सैम्पल स्पेस जो होगा, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उसके अंदर डिजिट्स हैं, 6. तो 6 एलिमेंट्स होंगे और इसका सैम्पल स्पेस बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इट विल बी टर्म्ड एज अ सैम्पल स्पेस. इसके बाद मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ इवेंट्स की, कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो हैं उनकी टाइप्स ऑफ इवेंट्स. इसके अंदर फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्ड की मीनिंग के अंदर ही उसकी डेफिनेशन है. म्यूचुअली मतलब आपसी, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन मतलब एक दूसरे को दूर भगाना, एक्सक्लूड करना कि जानी दुश्मन होना, मैं हूँ तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं. तो वो इवेंट्स जो एक दूसरे की जानी दुश्मन है, कि एक दूसरे के परस्पर जो प्रेजेंट होती हैं, कि अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरी डेफिनेटली एबसेंट होगी, एक एबसेंट है तो दूसरी डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, ऐसी इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जहाँ पे एक की प्रेजेंस दूसरी की एबसेंस की श्योरिटी दे, उनको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जैसे अभी मैं कॉइन की बात कर रही थी कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, उस कॉइन के अंदर मुझे पता है कि कॉइन के दो फेसेस होते हैं, वन इज हेड अनदर इज टेल. अगर हेड आ गया उसके अंदर तो डेफिनेटली टेल इज एब्सेंट, और अगर टेल प्रेजेंट हुआ तो डेफिनेटली हेड इज एब्सेंट. तो ये जो हेड एंड टेल हैं, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन द ट्रायल ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन और टॉसिंग अ कॉइन. उसके अंदर हेड और टेल जो हैं, दोज आर टर्म्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. उसके बाद जो सेकेंड आ जाती है डेफिनेशन, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. Exhaustive events. आप लोग भी बात करते हैं exhaust हो जाना, पूरे तरीके से पूरी आपकी energy निचड़ जाना, ख़त्म हो जाना, पूरा complete exhaust मतलब complete. तो exhaustive events समझ आ रहा है कि complete events, total events. तो एक experiment, एक trial जब perform किया जाता है, उसके अंदर जितनी भी events occur हुए, वो सारे के सारे जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, exhaustive events. जैसे अभी मैं coin की ही फिर से बात करूँ कि आपने coin toss किया, तो head और टेल यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, और यही दो इवेंट्स आ सकते हैं. तो इनको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. टोटल दो इवेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. ऐसे ही जब आपने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करेंगे तो सिक्स फेसेस हैं, तो टोटल सिक्स आउटकम्स आर पॉसिबल. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन अ ट्रायल आर टर्म्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बाद अगर मैं बात करूँ इक्वली लाइकली इवेंट्स की, थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब यहां पे भी नेम से क्लियर है, लाइकली मतलब चांस, कि टुडे रेन इज लाइकली टू कम, बारिश आ सकती है. जो ये सकती है वर्ड है, ये लाइकली के साथ रिलेटेड है. तो इक्वली मतलब बराबर, लाइकली मतलब चांसेस,
इवेंट्स, समझ आ रहा है हमें कि वो इवेंट्स जिनके प्रेजेंट होने के इक्वल चांसेस हों, बराबर चांसेस हों। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही हूँ, कोई पार्शियलिटी होने नहीं दे रही हूँ, आई एम टोटली अनबायस्ड। वैसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अगेन, मैं आई एम सेइंग दैट यू आर टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन आप टॉस करेंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या टेल आने की पॉसिबिलिटी कम है। हेड के आने के भी उतने ही चांसेज हैं जितने टेल के आने के, टेल के आने के भी उतने ही चांसेज हैं जितने हेड के आने के। आप लोगों ने, किसी ने अगर शोले मूवी देखी हो तो उसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब हैं और धर्मेंद्र साहब हैं, उन्होंने जय और वीरू का रोल प्ले किया हुआ है, और वहाँ पे उन लोगों के पास एक कॉइन हुआ करता था। जब भी दोनों की लड़ाई हो जाती थी कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने करना है, दे यूज़ टू टॉस अ कॉइन। तो कॉइन टॉस करते थे, उसमें ये हो जाता कि जो भी जीतेगा बस उसी की मानी जाएगी। और एट द लास्ट, जिन्होंने मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि इन द वेरी लास्ट अमिताभ बच्चन की उसके अंदर डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद जब धर्मेंद्र वो कॉइन देखते हैं और वो देखते हैं कि उसकी दोनों ही साइड पे एक ही इवेंट होती है, सपोज़ हेड वो चूज़ करते हैं तो हेड ही दोनों साइड्स पे होता था, तो वहाँ पे ये केस जो है वो नहीं लगेगा। उस केस के अंदर हेड एंड टेल आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि टेल था ही नहीं। तो लेकिन नॉर्मल कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ तो हेड और टेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जितनी अमाउंट हेड की है उतनी अमाउंट टेल की है, तो दोनों के आने के इक्वल चांसेस हो गए, तो 1/2 चांसेस हो गए। इनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। द इवेंट्स हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस आर टर्म्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। एग्जाम्पल के अंदर आप हेड टेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप थ्रोइंग ऑफ डाइस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे 1 से लेके 6 तक के फेसेस आर इक्वली प्रोबेबल टू कम अप। सबके 6 के 6 फेसेस की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 एनीथिंग कैन कम। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसके बाद जो फोर्थ इवेंट की मैं एग्जाम्पल लूंगी, दैट इज नल इवेंट। नल नेम से ही क्लियर है, जीरो। अब जीरो इवेंट कौन सी होगी? जीरो इवेंट कौन सी होगी? द इवेंट विच डज नॉट गिव यू एनी आउटपुट इज टर्म्ड एज नल इवेंट। जी, आपके ट्रायल की जो आउटकम आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। मुझे पता है कि अगर मैंने कॉइन थ्रो करना है तो मेरे पास या हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। सपोज़ वो कॉइन खड़ा हो गया तो आप लोग क्या कहेंगे कि ना हेड आया ना टेल आया, आपके काम का ही नहीं है, आप लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उस जो आपकी कोशिश है उसको। ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे नल इवेंट्स। या मैं कहूँगी कि अमिताभ बच्चन साहब वाला ही वो मैं ले लूँ, कॉइन कंसीडर कर लूँ, तो उसके अंदर मैं चाहूँ कि मेरे पास टेल आए, जब टेल है ही नहीं तो टेल आएगा कहाँ से, तो दैट विल बी अ नल इवेंट फॉर मी। तो नल इवेंट क्या हो गई कि जब आपकी आउटकम ना आए, आपकी आउटकम आने के चांसेस खत्म हो, तब हम बोलेंगे उसको नल इवेंट। उसके बाद मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करूं तो वो होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां भी नेम से ही क्लियर है, द इवेंट्स इन विच अक्रेंस ऑफ वन डज नॉट आल्टर द अक्रेंस ऑफ अदर। कि जिन इवेंट्स के अंदर एक इवेंट की अक्रेंस दूसरी की प्रेजेंस को अल्टर ना करे, कि एक आ गया तो दूसरा जो है उस पर डिपेंड ना करे, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। सपोज मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जामिनेशन में पहले डेफिनेशन लिखी फिर एग्जांपल दे दिया, आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज वी आर थ्रोइंग 2 कॉइन्स, अब एक के ऊपर हेड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पे भी हेड आएगा। दूसरे वाले का हेड या टेल फर्स्ट वाले के हेड या टेल पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली सेम अगर एक पर हेड आ गया, दैट डजंट मीन कि दूसरे पे टेल ही आएगा, कि हेड तो आ गया भैया अब तो टेल ही आएगा। सो दिस इज नॉट सो। दोनों की जो अक्रेंस है, दोनों के हेड और टेल की, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जहाँ पे एक की अक्रेंस दूसरे की अक्रेंस को ऑल्टर ना करे, चेंज ना करे, उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो नेक्स्ट इज डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स नेम से ही क्लियर है, जो एक दूसरे की अक्रेंस को ऑल्टर करे। द इवेंट्स इन विच प्रेजेंस ऑफ वन इवेंट विल डेफिनेटली ऑल्टर द प्रेजेंस ऑफ और एबसेंस ऑफ अनदर इवेंट, उसको आप क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स है, आपको पता है कि 52 कार्ड्स एक पैक के अंदर होते हैं, और मैं आपको कहूँ कि वाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस। ऑल्दो मैं इसके बाद प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स भी लूँगी विच आर मैंडेटरी टू स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, बट थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को डेफिनेटली होगा कि आपको पता है कि 4 एसेज आर देयर, तो 4 होते हैं टोटल 52 में से, तो एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। मैं कहूँ कि दूसरा भी निकालो, अब एक तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो एसेज रह गए 3, टोटल कार्ड्स रह गए 51, तो नेक्स्ट एस की प्रोबेबिलिटी होगी 3/51। तो देखिए सेम प्रोबेबिलिटी नहीं आई,
एक एज की प्रोबेबिलिटी ने दूसरे एज की प्रोबेबिलिटी को चेंज किया, उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाला, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज साइमल्टेनियस इवेंट्स। ये भी नेम से क्लियर है, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, चलूं साथ साथ तेरे, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इवेंट्स। वो इवेंट्स जो एक दूसरे के साथ 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 अकर होने के जिनके चांसेस हों, द इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, जब इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम इन एनी ट्रायल, उनको आप लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इवेंट्स, कि जो एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि मैंने एक कॉइन थ्रो किया, तो उस कॉइन के अंदर हेड या टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा, वो थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं दो कॉइन्स टॉस करूंगी तो दो हेड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो सकते हैं, दो टेल साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो सकते हैं, देन दे विल बिकम साइमल्टेनियस इवेंट्स, कि जो इवेंट्स सेम टाइम पे एक साथ अकर हो सके, प्रेजेंट हो सके, दोज आर टर्म्ड एज साइमल्टेनियस इवेंट्स। उसके बाद मैं बात करूंगी कंपाउंड इवेंट और रेंडम इवेंट की। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपाउंड। कंपाउंड इवेंट से पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट एटॉमिक इवेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सैंपल स्पेस की बात की थी कि अगर आपने एक डाइस थ्रो किया तो उसका जो सैंपल स्पेस है एस, वो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनको मैंने उठा के इकट्ठा कर दिया कि भाई तुम सारे के सारे 6 के 6 आ जाओ इकट्ठे एक ग्रुप में, एक जगह पे पैक हो जाओ। तो इसको हमने बोला सैंपल स्पेस। इसके अंदर से मैं कोई भी एक आउटकम उठा लूँ, सपोज मैंने 2 उठा के अलग से लिख लिया, दिस इज एटॉमिक इवेंट। एनी एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज टर्म्ड एज एटॉमिक इवेंट। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो ये जो अकेला है दिस इज टर्म्ड एज एटॉमिक इवेंट। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट। ये भी आपको नेम से क्लियर है, जहाँ पे अभी जैसे मैंने कहा कि एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, दूसरा भी उसके साथ आ गया, तो एनी सेट सबसेट, एटॉमिक इवेंट वाज सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस विच वाज कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, और जो कंपाउंड इवेंट्स हैं दिस इज सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज़्यादा। जैसे इसी का ही मैंने एक सबसेट उठा लिया 2 और 3, इसी का ही एक सबसेट उठा लिया 2 और 5, इसी का एक सबसेट उठा लिया 3 और 6, और एक सबसेट उठा लिया 3, 4, 5, ये सारे जो होंगे दीज आर टर्म्ड एज कंपाउंड इवेंट। एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे। कंपाउंड इवेंट हो गया हमारा, एटॉमिक इवेंट हो चुका है, और इसके बाद मैं बात करूंगी नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज रैंडम इवेंट्स। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर रैंडम इवेंट्स, और इसका आंसर देना सबसे ज़्यादा आसान है। इफ़ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट बिफोर इट्स हैपनिंग, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रैंडम इवेंट। कि आप उस इवेंट के, इफ़ यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट बिफोर इट्स हैपनिंग, ना प्रायर टू इट्स हैपनिंग, देन वी विल कॉल इट रैंडम इवेंट। कि उसके प्रेजेंट होने से, उसके हैपन होने से, उसके आ जाने से पहले आप लोग ये ना प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या आएगा, उसको हम रैंडम इवेंट बोलेंगे। रैंडम हॉज वॉज टोटल, बिल्कुल मैस, आपको नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। तो इसका एग्जांपल फिर से वही, मैं हेड टेल कहूँ कि मैंने थ्रो करना है कॉइन, बशर्ते दोनों साइड हेड टेल होना चाहिए, तो मुझे नहीं पता होगा कि हेड अप आएगा कि टेल अप आएगा, तो ऐसी इवेंट्स होंगी रैंडम इवेंट्स। अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू, ड्राइंग अ कार्ड, आप लोग वेल शफल्ड पैक में से कार्ड निकालेंगे, आपको नहीं पता एस होगा, स्पेड होगा, हार्ट होगा, क्या बाहर आएगा और कौन से नंबर का बाहर आएगा, यू विल नॉट नो, तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ रैंडम इवेंट्स हो गया। ऐसे ही आप डाइस थ्रो करेंगे, 1 से लेकर 6 तक कोई भी फेस जो है वो अप हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो रैंडम इवेंट। अनदर एक मैं लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ, यू आर पासिंग बाय अ मैंगो ट्री, आप लोग एक मैंगो ट्री के पास से निकल रहे हैं, आप लोग उस मैंगो ट्री के पास से निकल रहे हैं, एंड यू आर वॉचिंग लॉट ऑफ मैंगोज हैंगिंग ऑन दैट ट्री। अब उन मैंगोज में नाम सुनते ही पानी आ गया होगा आदों के मुंह में, तो कि कुछ पके हुए मैंगोज भी हैं और कुछ कच्चे मैंगोज भी हैं।
अब ये है कि आप लोगों को इतना तो पता है कि पक्के हुए जो मैंगोज हैं दोज विल फॉल फर्स्ट, वो पहले गिरेंगे नेचुरली। अब ऐसा ना हो कि कहें कि मैं तो कच्चे वाले को तोड़ के भी गिरा सकता हूँ, वो नहीं, अपने आप गिरने की पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो आप लोग कहेंगे कि जो राइप्ड मैंगो है दैट विल फॉल फर्स्ट, इतना तो आपको पता है, लेकिन राइप्ड भी एक थोड़ी ना है, वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनमें से विच वन विल फॉल फर्स्ट यू कैन नॉट नो, तो वो क्या हो गया, रैंडम इवेंट। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया, दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग्स, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इवेंट, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट एंड टाइप्स ऑफ ऑल द इवेंट्स। तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा, और इनमें से डेफिनेशंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे विद लॉट ऑफ अदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।